हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि पटेल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम ये वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड के वीकली व्यू के बारे में। ठीक है, कि जो फरवरी का फर्स्ट वीक रहने वाला है उसके अंदर जो गोल्ड के क्या सपोर्ट रहेंगे और क्या उसके टारगेट बन सकते हैं वो हम ये वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं हम गोल्ड के पहले सपोर्ट के बारे में। तो गोल्ड का जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर अभी देख सकते हो, वो है लगभग 1578 के आसपास। और ये वाला जो लेवल है वो आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है एट क्लोजिंग प्राइस। ओके, मीन्स अगर ये वाला जो सपोर्ट है वो ब्रेक करता है एट क्लोजिंग प्राइस, तो फिर ये जो गोल्ड है उसके अंदर आपको थोड़ा सा करेक्शन जो है वो और देखने को मिल सकता है। और ये जो करेक्शन है वो लगभग 1570 के लेवल तक जो है वो जा सकता है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट वाले वीक के लिए ये वाला जो लेवल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, मतलब कि आप इसको फाइनल लेवल भी मान सकते हो एट क्लोजिंग बेसिस। ओके, अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ये वाला लेवल जो है वो भी ब्रेक हो जाता है, तो फिर गोल्ड के अंदर हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और ये जो मूवमेंट है वो लगभग फिर आपको देखने को मिल सकता है 1555 से लेके 1550 के लेवल तक जो है वो देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये जो है वो सपोर्ट के लिए ध्यान में रखना है, जो फाइनल सपोर्ट है मेरे हिसाब से कि क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जो सपोर्ट आपको ध्यान में रखना है वो है 1570। ओके, इफ दिस सपोर्ट इज ब्रेक एंड गोल्ड इज क्लोज बिलो दिस प्राइस 1570, देन वी कैन सी गुड मूवमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दैट। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के टारगेट के बारे में। तो गोल्ड का जो टारगेट है, नंबर वन टारगेट, वो है लगभग 1599.50 के आसपास। ओके, इट्स एन अ वेरी इम्पोर्टेंट लेवल एट क्लोजिंग बेसिस। ओके, आपको ये जो प्राइस है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर खास ध्यान में रखना है कि अगर गोल्ड जो है वो इसके ऊपर क्लोज्ड होता है, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, कि अगर गोल्ड जो है वो इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर हमें गोल्ड के अंदर जो है वो एक अच्छी अपर डायरेक्शन की जो मूवमेंट है वो देखने को मिल सकती है। और ये जो मूवमेंट है फिर आपको एक लेवल जो है वो 1606, ये वाला जो लेवल है वो एक आपको फाइनल लेवल मानना है, मतलब अपर जो है उसकी रैली का। वहाँ पर अगर यहाँ पे भी उसको कोई हर्डल नहीं हुआ, मतलब इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, गोल्ड ने 1606 के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग दे दिया एट क्लोजिंग प्राइस, तो फिर आपकी ये जो मूवमेंट है गोल्ड की वो बहुत ही बढ़िया रहेगी। और ये जो मूवमेंट है वो लगभग 1625 से लेके 1635 के लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको एक इम्पोर्टेंट टारगेट जो ध्यान में रखना है वो है लगभग 1606, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दिया तो फिर आपको इसके अंदर की जो रैली है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगी। वैसे फाइनल जो सपोर्ट है वो ध्यान में रखना है 1570 का, इसके अगर इसने नीचे क्लोजिंग दे दिया तो फिर इसके अंदर हमें जो है वो करेक्शन थोड़ा और देखने को मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।